नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अर्थात SIP क्या है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे मन में SIP के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं कि किस प्रकार हम SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, किस प्रकार हम SIP के तहत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि SIP जो हमारा एक वे है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो SIP is a way to invest a fixed amount at a regular interval in mutual fund। जैसे आप monthly invest करना चाहते हैं, हर month चाहते हैं, हर week invest करना चाहते हैं, या दो महीने में एक बार invest करना चाहते हैं mutual fund में, मतलब एक fixed amount अगर आप हर week लगाना चाहते हैं, हर week invest करना चाहते हैं, monthly करना चाहते हैं, या quarterly करना चाहते हैं, मतलब तीन month में एक बार, या half yearly करना चाहते हैं, मतलब जो भी आपका इच्छा हो, जितने दिन में आप comfort feel करते हो उतने दिन का SIP आप ले सकते हैं, उतने अमाउंट का ले सकते हैं। रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट आप जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, इसी को हम SIP बोलते हैं। उसी को मतलब हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं कि एक सिस्टमैटिक बना लिए कि हम एक मंथ में, टू मंथ में, या सिक्स मंथ में, या हर वीक हम एक जो फिक्स अमाउंट है, कम से कम जैसे 500 हो गया, उससे भी कम आजकल 100 रुपीज तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे वीकली चाहे मंथली चाहे। तो इन SIP अमाउंट में भी एज लो एज 500 और 100 टू ए मैक्सिमम एज यू डिजायर, जैसा मैक्सिमम आप जितना इच्छा चाहे उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी SIP जो आप चुनते हैं वो SIP हो सकता है एक फिक्स समय के लिए हो, जैसे 6 महीने के लिए हो, साल भर के लिए हो, 5 ईयर्स के लिए हो, या फिर 5 ईयर से अधिक के लिए हो, या आप उसको रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर मंथ रेगुलर, हर वीक रेगुलर, हर क्वार्टरली रेगुलर इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे आप जो भी चुनते हैं SIP मोड में, अगर आप रेगुलर चुनते हैं तो आपको, जैसे आप कभी SIP को रोकना चाहते हैं तो आपको अपने म्यूचुअल फंड को, मतलब जो भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट किए उसे बताना होता है कि अगले मंथ हम SIP नहीं कर रहे हैं, अगले मंथ SIP रोक रहे हैं। तो इस तरह से आप SIP या तो रेगुलर ले सकते हैं या एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं, इतने सालों के लिए हम SIP करना चाहते हैं। मुख्य रूप से जो हमारा SIP होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म अपना गोल अचीव करने के लिए, जैसे अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, चिल्ड्रेन का जैसे एजुकेशन हो उसके लिए, डॉक्टर का मैरिज हो उसके लिए, तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जिसके लिए हम SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं अपने किसी भी लॉन्ग टर्म के गोल को अचीव करने के लिए। तो SIP इज ए स्मार्ट एंड हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट, साथ साथ SIP इज लाइक ए RD, मतलब एक रेकरिंग डिपॉजिट के जैसे है, टू सेव ए फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली। आप रेगुलरली जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप सेविंग करते हैं, जिस सेविंग पे आपको एक खासा मतलब रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद व्हाई इन्वेस्ट थ्रू SIP, हम SIP के थ्रू क्यों इन्वेस्ट करें। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपके पास अच्छे खासे नॉलेज हो। अब जब आपके पास अच्छे खासे नॉलेज नहीं होते हैं, फिर भी आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, तो आप जाते हैं किसके थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड में दो होते हैं, एक लमसम और दूसरा SIP। तो हम SIP से जाना क्यों बेस्ट समझते हैं, मतलब SIP से जाना क्यों बेस्ट है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है, आप एक छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा अमाउंट जो आपका मंथली जो सैलरी आ रहा है उससे ऑटोमेटिक अगर आप कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सैलरी से हर मंथ एक छोटा अमाउंट कट करके आपका सेविंग होते जाएगा, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते जाएगा। और जैसे मतलब आपका गोल अचीव हो जाता है तो एक अच्छा अमाउंट आपको रिटर्न के रूप में प्राप्त होता है। व्हाई गो थ्रू SIP? सबसे पहले इसमें होता क्या है, आप जो एक रेगुलर इंटरवल पे जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेजिंग जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। जब एवरेजिंग अच्छा होता है तो उस पर आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है बहुत ही अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है, क्योंकि आप हर एक मतलब इंटरवल पे, हर एक स्टॉक मार्केट के हर एक पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है इसके तहत आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। दूसरा होता है स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट, मतलब
आप SIP जो है 500 रुपये तक, यहाँ तक कि आप तो 100 रुपये तक का मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको 1 लाख रुपये की ज़रूरत नहीं कि स्टार्ट करना है तो आपके पास 1 लाख रुपये होना चाहिए। आप 500 से शुरुआत कर सकते हैं हर मंथ। तो इस तरह से स्मॉल अमाउंट से जो है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किया जा सकता है SIP में, तो इसलिए SIP हमारा बेस्ट है। दूसरा, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जब चाहे आप SIP कर सकते हैं, जिस मन चाहे तो आप SIP को रोक सकते हैं। मतलब जब भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो अपने पास, आप जिस समय फाइनेंशियली थोड़ा वीक अनुभव करते हैं, तो उस समय आप अपने SIP को रोक सकते हैं, और जब चाहे SIP को रोक दिए, जब चाहे आप अपना इन्वेस्टमेंट को जो है वापस ले सकते हैं। मतलब इसमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होती है, बहुत ही हाई लिक्विड ये सारी चीज़ें होती है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद नॉट नेसेसरी टू टाइम द मार्केट, इसमें जो है आपको स्टॉक मार्केट में अगर मतलब इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे, साथ साथ थोड़ा रिस्क भी होता है, लेकिन आपको जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, मतलब SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके फंड को एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, जिससे आपको स्टॉक मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका फंड जो है एक एक्सपर्ट वहाँ पर मैनेज कर रहा होता है। अगला है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, और यह जो आजकल बहुत ही कन्वीनियंट हो चुका है, आप जो ऑनलाइन एक ऐप के थ्रू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं, कोई भी कमीशन नहीं है, तो बहुत ही ये कन्वीनियंट हो चुका है म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट एन SIP, मतलब हमारा एक SIP कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एकदम सिंपल है कि आप जीरोधा काइट ऐप का यूज कर सकते हैं, मतलब जीरोधा में जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ग्रो ऐप ओपन कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप जा सकते हैं और जो है आप SIP अपना स्टार्ट कर सकते हैं हर मंथ। अगर आप म्यूचुअल फंड में कौन सा फंड चूज करें इसके रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है, तो ऊपर आई बटन पर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के बहुत सारे वीडियोज है जिसमें हमने बताया था कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद नो पेनल्टी नो चार्जेज टू स्टॉप SIP, SIP आप रोक देते हैं कभी, तो इसके लिए कोई पेनल्टी या कोई चार्ज आपके लिए नहीं होता है। और अब हम आपको यहाँ पर आगे दिखाने वाले हैं कि किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत आप जो SIP के तहत इन्वेस्ट करते हैं तो एक ह्यूज रिटर्न आप प्राप्त करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि एक SIP के तहत आपका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही बड़ा अमाउंट आपका कैसे बन सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं SIP कैलकुलेटर पर। तो ये देख सकते हैं हमारा SIP कैलकुलेटर है, यहाँ पर हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैसे आपका जो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपको एक बहुत ही बड़ा अमाउंट दे सकता है, मतलब एक रिटर्न के रूप में बहुत ही बड़ा अमाउंट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है ये हम ले लेते हैं 5000, इसलिए हम यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले लिए 5000, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा 5000 पर मंथ का 20 इयर्स के लिए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा है वो है 20% का। यहाँ से इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यस डालेंगे, अगर इन्फ्लेशन बिना विदाउट एडजस्ट का आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो नो करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका देख सकते हैं नीचे अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए हम नीचे अमाउंट देख लेते हैं कितना हमारा कैलकुलेट होकर के आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्टेड SIP रिटर्न फॉर द वेरियस ड्यूरेशन एट 20%, मतलब रिटर्न जो जनरली 20% आपको मिल ही जाएगा। तो 20 ईयर्स में देख सकते हैं 5000 का अगर SIP लेते हैं तो 65.8 लाख होगा, ये 20 इयर्स में होगा। मतलब 20 इयर्स तक के लिए आप अगर 5000 पर मंथ का SIP लेते हैं तो देखते हैं 65.8 लाख का रिटर्न हो गया। वहीं आप देखिए 22 इयर्स के लिए लेते हैं तो 88.3 लाख हो जाएगा। अगर 25 इयर्स के लिए, मतलब आप 20 ईयर के बाद SIP रोक दिए, उसके बाद सिर्फ इसी अमाउंट को आपको रहने देना है सिर्फ, तो देख सकते हैं हमारा 1.5 करोड़ हो जाएगा। अगर वही 30 इयर्स के लिए देख सकते हैं 2.8 करोड़। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जितना लंबा होराइजन लेंगे, मतलब जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। वहीं 35 ईयर्स के लिए कर देते हैं तो देखते हैं 5.6 करोड़ हो जाएगा। तो समझ सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना लॉन्ग टर्म का आपका गोल होगा उतना अधिक आपको रिटर्न मिलेगा। तो समझ सकते हैं अगर 35 ईयर्स के लिए आप कर देते हैं, मतलब अगर आपका एज कम है और आप कम एज में अगर ये प्लान बना लेते हैं, मतलब एक गोल सेट कर लेते हैं आप अपने SIP का, तो समझ सकते हैं कि आपको 35 इयर्स में आप 5.6 करोड़ का एक लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन बना लेंगे, मतलब एक ह्यूज वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं SIP से।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आपको SIP क्यों लेना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।